Hey guys, good morning to all of you. I'm Kashif Iqbal, and today we are going to start our lecture number 10. It is all about English grammar that we are going to continue. You know very well, till now we have completed our 9 lectures. In all these 9 lectures, we have only discussed parts of speech. The various types of parts of speech. There are 8 parts of speech, and we have discussed almost all of these. Now we are moving on the part 3 of preposition, and preposition is parts of speech number 8. It is the last, and I'm sure this would be our last lecture from parts of speech. So in next lecture we will continue to discover the tenses. We will move towards stage number 2, which is all about tenses. So this is lecture number 10, and it is about preposition. Part number 3, we have discussed in part number 1 and part number 2 briefly about preposition, its various types, its examples, and definitely we have a very fruitful discussion as well. So now we are going to discuss other English grammar preposition. What are other English grammar preposition? This is what we are going to discuss. ये वो चीज़ें जो हम इस लेक्चर में भी डिस्कस करने जा रहे हैं. The preposition in English grammar which are not satisfy the condition of time, place and directions means ये ऐसे preposition हैं जो ना time में आते हैं ना place में आते हैं और ना direction में आते हैं. ये 3 types थी ना preposition की जो हमने part number 1 और part number 2 में discuss किए हैं. Preposition of time भी discuss किया, preposition of place भी discuss किया, preposition of direction भी discuss किया with their example. तो ये जो other preposition English grammar में जो आज हम discuss करने जा रहे हैं, ये तीनों में consider ही नहीं होते हैं. तो वो इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑल दीज काइंड ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड्स इन ग्रामर आर कैटर्ड इन द फॉलोइंग प्रीपोजिशन. ये एक लिस्ट है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि जनाब एक साइड पे प्रीपोजिशन थे, उसके अपोजिट आपके कुछ मीनिंग्स लिखे हुए प्रीपोजिशन के. तो ये वो लिस्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पहले 3 टाइप्स में तो नहीं आते लेकिन इसमें जरूर आते हैं. ये ऐसा कोई टाइप नहीं है लेकिन प्रीपोजिशन में ही हम इसको कंसीडर करते हैं. हम लिस्ट के जरिए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. इसकी हेडिंग आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर प्रीपोजिशन, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है प्रीपोजिशन मीनिंग, यानी कि इनके मीनिंग्स है. नंबर 1 पे हमारे पास है और, ओ आर और. इसका मीनिंग देख लेंगे, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम या कंपोज्ड ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं एसोसिएटेड विद, या फिर हम कह सकते हैं बिलोंगिंग टू. ये क्या है? और. दूसरे नंबर पे हमारे पास है बाय, बी वाई बाय. इन द नेम ऑफ या थ्रू द, मतलब किसी भी चीज के जरिए. जैसे हम कहते हैं ना पैसे वाइस में हम बाय यूज करते हैं, दिस लेटर इज रिटन बाय मी. तो यहां पे जो बाय का सेंस है वो थ्रू द के सेंस में है. रिएक्शन ऑफ. ओके, नंबर 3 पे हमारे पास है अबाउट. इसका मीनिंग जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी. दूसरे नंबर पे है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ. तीसरे नंबर पे है फॉर, बल्कि नंबर 4 पे है फॉर. इंडिकेट द ऑब्जेक्ट
या फिर एम और पर्पस, किसी पर्पस को भी मकसद को भी जाहिर करता है। जैसे ही इज कमिंग हियर फॉर मीटिंग। अब फॉर एक और चीज यहां पे जरूर जहन में रखिएगा कि ये जो प्रीपोजिशन है फॉर, एफ और फॉर, इसके बाद हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वो जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं या जिसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, कमिंग, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारे फोर्थ फॉर्म में आते हैं ना। तो फॉर के बाद हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं और ये बेसिकली किसी पर्पज को जाहिर करने के लिए ये प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर फाइव पे विद। यह है इन द प्रेजेंस और यूज ऑफ। तो ये हमारे पास कुछ प्रीपोजिशन थे। नेक्स्ट मैं आपके साथ मजीद कुछ डिस्कस करता हूं। यू कैन ऑल्सो चेक, आप मजीद भी चेक कर सकते हैं एडजेक्टिव लिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, सॉरी यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन इंग्लिश इन द डिफरेंट मैनर्स। समटाइम इंग्लिश ग्रामर प्रीपोजिशन आर यूज इन द डिफरेंट मैनर्स थ्रू विच द मीनिंग चेंजेस क्वाइट अ बिट According to the context, sometimes ये जो preposition होते हैं English में कुछ इस तरह भी use होते हैं कि इनका जो meaning है वो इनके असल meaning से बिल्कुल हट जाता है, change हो जाता है। They are provided in the below section। ये मंदर जज़ेल मैंने mention कर दिए हैं, आप जरा इनको देखेंगे। यह prepositional phrase functioned एज कंजंक्शन। अब ये प्रीपोजिशन फ्रेज ऐसे हैं कि जो बतौर कंजंक्शन काम कर रहे हैं। सम वर्ड्स आर प्रीपोजिशन, कुछ वर्ड्स तो प्रीपोजिशन है बट दे आर फंक्शनिंग एज कंजंक्शन। अगरचे ये हैं प्रीपोजिशन लेकिन ये काम कंजंक्शन का ही कर रहे हैं, तो फंक्शन में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपोजिशन रूल्स। The preposition which is used before a clause is functioning as conjunction. ऐसा preposition जो कि किसी भी clause, किसी भी sentence के start में काम करे वो बतौर conjunction उसका जो है ना function होता है। ये एक rule है। But when a word is used before a noun, लेकिन जब कोई word किसी noun से पहले इस्तेमाल हो, इट स्टेज एज अ प्रीपोजिशन। लेकिन अगर कोई नाउन से पहले प्रीपोजिशन आएगा तो फिर वो प्रीपोजिशन ही होगा। ये जरा नोट करेंगे पॉइंट। द वर्ड्स विच आर मोस्ट कॉमन, ऐसे अल्फाज जो बहुत ज्यादा कॉमन हैं, अमंग दीज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, इन मखसूस काइंड्स के प्रीपोजिशन के साथ, वो क्या है? दैट इज आफ्टर, एज, सिंस, बिफोर, अंटिल, एटसेट्रा। ये वो कॉमन वर्ड हैं जो कि इस रूल में कंसीडर होते हैं। कौन सा रूल? के सेंटेंस से पहले अगर ये आ जाएंगे तो फिर इनका जो फंक्शन है वो कंजंक्शन वाला होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन एक्सरसाइजेस, ये कौन सी है। सम कंजंक्शन डैश प्रीपोजिशन सेंटेंसेज आर कैटर्ड बिलो। ये मंदरजा ज़ैल कुछ सेंटेंसेज है जो कंजंक्शन प्रीपोजिशन में की सूरत में दिए गए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। नंबर वन, आफ्टर द लेक्चर दे वेंट टू द मूवी। अब देखें ये ब्रैकेट में मैंने प्रीपोजिशन भी मैंशन कर दिया है और इसमें ये जो आफ्टर है ये हमारे लिए प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। नंबर टू, आफ्टर दे एट कॉमा दे वेंट टू द मूवी,
यहाँ पे वही जो आफ्टर है वो आफ्टर द लेक्चर दे वेंट टू द मूवी. यहाँ पे ये आपने फर्क समझना है जरा. जो पहले वाला था आफ्टर द लेक्चर दे वेंट टू द मूवी, यहाँ पे आफ्टर के बाद नाउन है. जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि अगर नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा तो वो प्रीपोजिशन ही रहेगा. जहाँ पे आफ्टर के बाद द लंच है तो द लंच हमारे लिए नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन लंच है, चूंकि द आ गया साथ द लंच, तो ये नाउन फ्रेज बन गया जाएगा ना. फ्रेज कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज की मदद से बनाया जाने वाला ऐसा सेंटेंस के जो जिसका मीनिंग तो समझ आए लेकिन उसका जो मुकम्मल जो सेंटेंस है वो ना हो. तो द लंच फ्रेज है क्योंकि जो पूरा सेंटेंस नहीं है. लेकिन कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है. क्यों? क्योंकि इस फ्रेज में नाउन लंच आ चुका है, इस वजह से ये नाउन फ्रेज है. कुछ एडजेक्टिव फ्रेज भी होते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज भी होते हैं, नाउन फ्रेज भी होते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी होते हैं. तो ये इस वक्त नाउन फ्रेज है. और हमारा हमने रूल क्या पढ़ा है ऊपर कि नाउन फ्रेज से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आएगा वो प्रीपोजिशन ही रहेगा. अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन आफ्टर है इसको हम कंजंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आपने सेंटेंस नंबर टू जरा देखना है एग्जाम्पल के तौर पर. आफ्टर दे एट यानी कि खाने के बाद, उन्होंने जैसे खाया उसके बाद. अब देखें आफ्टर दे एट, यहां पे आफ्टर के बाद नाउन की बजाय प्रोनाउन आ गया दे. हमारी कंडीशन क्या थी? नाउन फ्रेज. क्योंकि अब नाउन फ्रेज नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. इस वक्त ये जो आफ्टर है ये प्रीपोजिशन के बजाय कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है. आफ्टर दे एट, ये पूरा फिक्रा सुन लेंगे. सेंटेंस नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, वही पहले वाली को मैंने दूसरी एग्जाम्पल बनाया है. आफ्टर दे एट कॉमा They went to the movie. ये complete sentence है. यहाँ पे ये after बतौर conjunction use हो रहा है. अच्छा, अब number three पे देखेंगे एक और example. He stood before the judge and declared his innocence. यहाँ पे ये जो before है ये preposition है. क्यों preposition है? क्योंकि आप note करें he stood before the judge. अब वही बात है, ये जो द जज है, जज तो नाउन को कहते हैं. अगर द जज है तो ये नाउन फ्रेज है. नाउन फ्रेज से पहले जो बिफोर आएगा वो प्रीपोजिशन ही कहलाता है. और अगर इसी बिफोर इसको अभी कंजक्शन की सूरत में हम कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इस एग्जांपल को जरा सुनेंगे, नंबर फोर में देखेंगे. स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, मुझे भी सुन सकते हैं. बिफोर ही डिक्लेयर्ड, अब आप देखें कि यहाँ पे जो बिफोर है वो सेंटेंस के शुरू में तो है लेकिन उसके बाद नाउन फ्रेज नहीं है, उसके बाद प्रोनाउन भी है और वर्ब भी है. ही डिक्लेयर्ड, इससे पहले जो प्रीपोजिशन बिफोर हमने लगाया यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है. बिफोर ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस ही लुक्ड एट द जज फॉर ए लॉन्ग टाइम. यहाँ पे बिफोर कंजंक्शन है. तो ये एक्सरसाइज थी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. यहां तक तो ये हो गया कि प्रीपोजिशन जो है वो कंजंक्शन के तौर पे कैसे काम करता है. अब नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, प्रीपोजिशन एक्ट एज एडवर्ब. प्रीपोजिशन एडवर्ब के तौर पे कब काम करता है? सम टाइम वर्ड्स यू माइट थिंक ऑफ एज प्रीपोजिशन एक्ट एक्ट लाइक एडवर्ब. सम टाइम हम सोचते हैं कि जो प्रीपोजिशन है वो एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है. When a word is modifying a verb, it is starting act like as an adverb. जब भी कोई verb modify होता है तो ये फिर और इसका जो action होता है वो फिर हम adverb में consider करते हैं. Types of preposition in English which follow these rules. I.e. means that is, ऐसे प्रीपोजिशन जो कि इस रूल को फॉलो करते हैं वो कौन से हैं, जो एडवर्ब की सूरत में आते हैं वो कौन से हैं? About, across, around, before, beyond, in, inside, near, opposite, outside, past, round, through, under, up,
within. तो ये सारे हमारे पास क्या है, ऐसे प्रीपोजिशन जो एडवर्ब के तौर पे भी काम करते हैं. नाउ लुक एट द वर्कशीट. अब हम जरा इसकी एक छोटी सी वर्कशीट देख लेते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है मजीद क्लियर हो सके. नंबर वन, साइमा कलर्स आउटसाइड द लाइंस. यहां पे हेयर द आउटसाइड द लाइंस इज एन एडवर्बियल फ्रेज. आउटसाइड द लाइन जो है ये हमारे लिए एक एडवर्बियल फ्रेज है, यानी कि ऐसा फ्रेज जिसमें एडवर्ब शामिल हो कि लाइंस पे कलर तो करती है लेकिन बाहर करती है, आउटसाइड द लाइंस. अब ये जो आउटसाइड है ये प्रीपोजिशन भी है. अगर आप नोट डाउन करें, इनसाइड आउटसाइड ये प्रीपोजिशन भी है, लेकिन चूंकि लाइन से बाहर करना, यहां पे ये आउटसाइड एडवर्ब का भी काम कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज. दूसरी एग्जांपल देखेंगे. इफ यू वांट टू सी द एक्लिप्स यू विल नीड टू गो आउटसाइड. हियर आउटसाइड विल टेल यू वेयर यू नीड टू गो. यहां पे आउटसाइड आपको ये बताता है कि आपने जाना कहां पे है. एंड विदाउट एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड इज एन एडवर्ब. अब हम देखते, ये एडवर्बियल फ्रेज की एक एग्जांपल थी. अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव. समटाइम प्रीपोजिशन वर्ड्स अपीयर आफ्टर एडजेक्टिव. समटाइम कुछ ऐसे प्रीपोजिशन भी होते हैं जो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव के फौरन बाद अपीयर होते हैं, जाहिर होते हैं. टू कंप्लीट और इलैबोरेट ऑन द आइडियाज और इमोशंस दैट एडजेक्टिव डिस्क्राइब. तो ये उन आइडियाज या उन इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि एडजेक्टिव खुद डिस्क्राइब कर रहा होता है. There are no specific preposition rules to use adjective an in English grammar as a preposition. तो इसके लिए कोई particular rule नहीं है preposition के हवाले से English grammar में जो adjective के तौर पर. Following are some adjective preposition examples. सेंटेंसेज. अब ये कुछ सेंटेंसेज हैं जिस तरह हम पहले एग्जाम्पल देते रहे, क्योंकि मेरे नजदीक एग्जाम्पल ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकती है. तो एग्जाम्पल्स जिस तरह हमने पहले देखी हैं, इसको भी हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन एज एन एडजेक्टिव एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं या प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं. नंबर वन, मुनीब इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द ओशन. Number two, the kids are very fond of the ice cream. यहाँ पे afraid of, fond of. Number three, she was highly skilled in physics and chemistry. अब skilled in, यहाँ पे ये आप देखेंगे कि preposition as an adjective use हो रहा है. Number four, eating healthy is good for your health. Good for your health. Good adjective है और उसके बाद for जो है वो preposition है. Next हम देखते हैं, ये हमारा अगला topic है. Use a preposition with noun. Preposition का noun के साथ क्या इस्तेमाल है. आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है ऑलमोस्ट तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ एडजस्ट हो रहा है. सम प्रीपोजिशन वर्ड्स कैन बी यूज्ड विद नाउन्स टू कनेक्ट
और प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन. कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो नाउन के साथ क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कनेक्ट होते हैं. क्यों? ताकि आइडियाज को देखा जा सके. और ये कौन से आइडियाज होते हैं? एक्सप्लेन्ड इन सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किए जाते हैं, जो किए गए हों. इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन में द प्रपोजिशन ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन. जो प्रपोजिशन है वो हमेशा नाउन के बाद ही आता है. ये कंपल्सरी है सेंटेंस में. हियर आर सम नाउन डैश प्रपोजिशन एग्जाम्पल. जहां पे कुछ नाउन और प्रपोजिशन की जो एग्जाम्पल है, जैसा मैंने कहा, इसकी कोई एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. नंबर वन, हर आंसर टू द टीचर, हर आंसर टू द टीचर्स क्वेश्चन वॉज करेक्ट. अब आप देखें, आंसर क्या है? नाउन है. इसके बाद क्या है? टू प्रीपोजिशन है. नंबर टू, टोनी हैज सो मच एडमायरेशन फॉर हिज फादर. यहां पे जो फॉर है वो प्रीपोजिशन है, लेकिन जो एडमायरेशन है वो नाउन है. क्या आप नोट करते जाएं इसे. नंबर थ्री, माई फ्रेंड हैज अ फियर ऑफ द डार्क. माई फ्रेंड हैज अ फियर ऑफ द डार्क. यहां पे जो फियर है वो खौफ, जिसे हम कहते हैं फियर, नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है. एक और चीज जरूर जहन में रखिएगा कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पीपीएससी में आपने अपेयर होना है, तो आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि फियर के बाद ऑफ ही लगता है. पीपीएससी बाजू का चार ऑप्शन दे देता है, ऑन, ऑफ, एट, इन, फियर ऑफ, फियर एट, फियर विद. तो फिर आपने देखना है कि फियर के बाद क्या लगता है. फियर के बाद ऑफ ही लगता है. नंबर फोर, ही हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन बैक बाइटिंग. He has little experience in backpacking. अब ये जो experience है ये noun है और जो in है ये preposition है. तो experience के बाद भी in ही आता है. Experience at, experience on, experience with ये नहीं आता है. Experience in आता है. ये जरूर ध्यान में रखिएगा. Okay, next हम देख लेते हैं preposition definition with verb. अब आप देखें preposition मुख्तलिफ parts of speech के साथ आ रहा है. एडजेक्टिव के साथ भी आ चुका है, नाउन के साथ भी आ चुका है, एडवर्ब के साथ भी आ सकता है, कंजंक्शन के साथ भी आ चुका है. अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन वर्ब के साथ क्या करता है. टू कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स, सर्टन वर्ब नीड्स प्रीपोजिशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ मखसूस वर्ब ऐसे होते हैं जिनको प्रीपोजिशन की जरूरत होती है. वर्ब्स आर यूजुअली फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन. वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के साथ ही इनको फॉलो किया जाता है, बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब हमने ये जो बात की है कि वर्ब आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी आगे देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. These types of preposition as are known as dependent preposition. इस तरह के जो preposition होते हैं, ये कहने का मकसद ये है कि verb पहले होगा, preposition बाद में होगा. अगर preposition verb के फौरन बाद आ जाए तो इस तरह के preposition को हम dependent preposition कहते हैं. Following are the some examples of such kind of prepositions जो कि list में मैंने दिए हुए हैं. Number one, I applied for the job, comma, but I didn't get it. ये जो applied for है, अब देखिए applied verb है, for preposition है. यहां पे ये जो for है ये dependent preposition है. ये वही बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है. Number two, अच्छा मैं अब थोड़ा सा emphasis करूंगा, थोड़ा सा जोर दूंगा इस example को highlight करने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए.
has he recovered from his illness yet? Question mark. अब recovered verb from preposition. Number 3. He believes in ghosts. Believe verb in preposition. तो ये बनेगा believe in. ये भी competitive exam में आता है. Believe in, believe at, believe with, believe on. तो ज़हन में रखना है कि believe के बाद in ही लगता है हमेशा. Number 4. This shampoo smells of blossoms. Smells of, smells verb of preposition. Next हमारे पास है English grammar preposition exercises with answers. In the below section, नीचे दिए गए section में preposition exercises with answers are provided. Preposition exercises with answers provide की गई हैं. To understand the use of prepositional phrase better, ताकि prepositional phrase को बेहतर तरीके से समझा जा सके. Number 1. We live in Pakistan. अब आप खुद देखें कि live in हमारे पास examples है इसकी preposition with verb. Live verb in preposition. Would you like to go to the cinema tonight? Would you like to? Like to हमारे पास example है. Number 3. We are going on holiday next week. Preposition आप खुद ढूंढेंगे. अब स्लाइड को देखेंगे, लेक्चर सुनेंगे, प्रीपोजिशन खुद आप फाइंड आउट कीजिए प्लीज. नंबर 4. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. कम इन टू द सिटिंग रूम. वी वॉन्ट टू वॉच टीवी. कम इन, वॉन्ट टू. सो हियर इज द कंक्लूजन. In this lecture, we have provided all types of preposition and preposition worksheets. So, इस lecture में preposition और preposition worksheet भी आपको provide की गई हैं, examples या point of view perspective समझाने के लिए. So, these preposition will help you to get a strong grip on English language while you appear in a competitive exam like PPSC, FPSC or NTS or even in departmental test. Still, if you have any queries regarding the preposition, you can ask them in the comment section below. And I suggest you to, if you have not subscribed this channel yet, kindly subscribe it, like it and share it also with your contacts. So, ये जो preposition जो हमने अभी तक discuss किए हैं, ये इतने useful preposition है. Preposition के lecture के 3 parts मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस lecture के शुरू में, कि part 1, part 2 और part 3. तीनों जो पार्ट्स हैं वो प्रीपोजिशन को ही एड्रेस कर रहे हैं. प्रीपोजिशन का क्लियर एक कॉन्सेप्ट है विद एग्जांपल्स, डेफिनेशन और इनका यूज कंप्लीट हमने डिस्कस किया है, और ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है अगर आपने प्लान किया हुआ है पीपीएससी के या एफपीएससी के या एनटीएस के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाने का. सो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. आई एम श्योर दैट ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी वेरी बेनिफिशियल, विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. And keep one thing in your mind always, that it is very important for all of you to learn the English grammar, because on the base of this thing, on the base of this information, you will be able to understand what is there in the paper, what is there for your next, and it is also concerned with your great future as well. So aaj hamare parts of speech jo 8 parts of speech the wo complete ho gaye hain alhamdulillah. So, inshallah, see you in next lecture. Till then, kindly complete all these 8 parts of speech first.
तब तक आप ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह सुने, इन पे ग्रिप करें, इनको अंडरस्टैंड करें, ताकि जब आप स्टेज नंबर 2 पे मूव करें तो आपके लिए बहुत इजी हो स्टेज नंबर 2 को समझना, क्योंकि ये सारी स्टेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर।